तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा केज जो है वो आ चुका है। तो और इस केज के अंदर कोई परिंदा नहीं बल्कि दवाइयाँ रखी हुई हैं। देखें, ब्रूफीन और ये पॉलीफ्लेक्स, और मेरे पास जो है ये आई ड्रॉप भी है जिसका नाम है बेटनासोल। तो अभी हमें क्या करना है कि हमारे कुछ लड़कियाँ जिनकी आ रही हैं आँखें, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, आपको दिख रहा होगा इनकी आँखें आ रही हैं, ये देखें। तो इनकी आँखों में डालना है ये बेटनासोल आई ड्रॉप। और हमारा ये वाला जो लड़की था जिसकी जो है काफ़ी तबीयत खराब है, उसको चार सर्दी वर्दी लगी हुई है, इसको हम लोग पिलाएंगे ब्रूफीन। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये वाला लड़की जिसकी जो है आँख में काफ़ी ज़्यादा जख्म हो गया था, तो इसके लिए हम मैं पॉलीफ्लेक्स लेके आए हैं, उसको पॉलीफ्लेक्स लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस लड़कियों को पॉलीफ्लेक्स लगाएंगे, उसके बाद बाकी के परिंदों को दवाई वगैरह देते हैं। तो यार मैंने जो है अपने लड़कियों की आँख पर आई ड्रॉप लगा लिया, मैं थोड़ा गलत तरीके से पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा आपकी वीडियो सही से नहीं बना पा रहा। तो ये देखें, ये वाली सही आँख है इसकी, और ये वाली जो है जिस पर मैंने दवाई लगाई है। ठीक है, तो अभी इसको वापस डालते हैं अंदर। अरे भाई दुआ करें यार कि हमारी रूटीन जल्दी से सही हो जाए। लेकिन ये है कि इसकी जो आँख है वो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल सही हो जाए इसकी आँख। तो अब आइए हमारी लुटिनों की जिसको सर्दी लगी हुई है, अभी हम लोग उसको पिंजरे में डालते हैं, उसके बाद दवाई मिलाते हैं इसके पानी में, फिर इसको ताकि थोड़ा बहुत आराम आराम आए। तो हमारी लुटिनों को हमने पकड़ लिया जिसको सर्दी लगी हुई है, और लिटरली ये कांप रहा है इस वक्त। उसको भी डाल देते हैं पिंजरे के अंदर। तो अभी खाना वाना भी डालते हैं और उसके बाद दवाई डालते हैं इसके पानी में। तो खाना मैंने डाल दिया है, पानी मैंने भर लिया, अब इसके अंदर दवाई मिक्स करते हैं। तो यार इसके लिए इतनी दवाई काफ़ी है, हमजा भाई ने कहा था कि सिर्फ दो कतरे डालने हैं, तो हम लोग इतनी सी डालते हैं बस। तो हमने दवाई इसके अंदर डाल दी है, हम लोग इसको रख देते हैं अंदर। चलो भाई जल्दी से सही हो जाए यार, और आप लोग भी दुआ करें कि हमारे लड़कियों जल्दी से सही हो जाए। तो यार अभी जो है इन सबकी आंखों में जो है हमें आई ड्रॉप डालना है, क्योंकि मुझे पता है सबको नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है ना, तो हो सकता है कि फैल जाए। तो इससे अच्छा है कि मैं सब में ही डाल दूँ, और डाल के सारे केज के अंदर डालते रहेंगे, क्योंकि यही केज खाली है, वरना पता नहीं चलेगा किसकी किसकी आँखों में डाला है, किसी आँखों में नहीं डाला हमने आई ड्रॉप। तो ऐसा करते हैं, ठीक है। यार ये देखिए, एक को मैंने पकड़ लिया, और कैसे ठीक रही है। अभी इसकी आंखों में आई ड्रॉप डालते हैं। तो अब हम डालेंगे इनकी आंखों में आई ड्रॉप, और हर एक की आंख में दो दो आई ड्रॉप डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक की आंखों में डालते हैं दो, तो एक की आंखों में हमने दो आई ड्रॉप डाल दिए हैं, एक दो। यार मैंने इसको बंद कर दिया सारे केज के अंदर, अब बाकी रूटीनों को पकड़ते हैं और उनकी आंखों में भी आई ड्रॉप डालते हैं। कैसे कितना परेशान हो रही है। दो की आंखों में हमने आई ड्रॉप डाल दिए, बाकी बचे तीन। ये लोग बहुत थका रहे हैं यार, सीरियसली पसीना पसार हो गया हूँ मैं। तीन लुटीनों हो गए हैं, अब बचे दो। तो यार चार लुटीनों को दवाई लग चुकी है, अब बचाइए आखिरी। तो भाई एक लुटीनो है ये, और बाकी चार लुटीनो है ये, बाकी दो हमारे ये रहे। अलहमदुलिल्लाह सबको दवाई मैंने लगा ली है, तो अब इसको भी छोड़ते हैं, उड़ाते हैं इसको। चल मेरा बचा। तो यार सारे लुटीनो जो है हमारे खुल चुके हैं, और सबको दवाई भी लगा ली है, इसको भी मैंने दवाई लगा ली है इसकी आँख पे, और उसको मैंने ब्रूफीन पिला दी थी। यार अब दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई और लड़की का बीमार ना हो, और हमारे जो दो लड़की का बीमार है वो सही है। आमीन। उसी की बात यह है कि ये भी निकल गया, इसकी कील निकल गई, तो अभी इसको भी यहीं रखे रहने देते हैं। हमारे इस वाले केज में तो हमारा एक बजी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरा जो है केज बिल्कुल मेडिकल स्टोर बन गया है। देखें ये सर्दी की, ये आय के लिए, ये जख्म के लिए, जल्दी से जान छोड़े यार इन सबसे। तो यार बस दुआ करें हमारी लुटी जल्दी से सही हो जाए। आमीन। The next day. तो यार मैं अभी अभी केज में आ रहा हूँ, आते ही मैंने क्या देखा है कि हमारा जो लड़की था जिसमें सर्दी लगी हुई थी वो जो है मर चुका है। ये देखें इतना सब कुछ किया यार, मतलब उसको जो है दवाई वगैरह पिलाई इसको, के रोज पानी में दवाई पिला रहा था, और मैंने केज को भी काफी गर्म रखा हुआ था, ऐसी बात नहीं है कि सर्दी हो रही थी, तो सर से गर्म रखा हुआ था केज को। ये तो बहुत बैड सीन हो गया यार, जो बारिश हुई थी उसकी वजह से जो है सर्दी लगी थी, उसके बाद से जो है ये काफ़ी निढाल हो गया था, काफ़ी दवाई वगैरह पिलाई यार उसको, लेकिन अफसोस। और
और दूसरा ये कि जो ये लटीना था ना, सबसे बड़ा जो लटीना था वो ये था। तकरीबन इसकी एज तकरीबन 7-7.5 महीने हो गई थी। बाकी सब लटीनों जो है वो 4 महीने के हैं। एक है जो तकरीबन 5.5-6 महीने का होगा, इसकी तकरीबन 7 महीने जो गई थी। देखिए इसकी मास्किंग भी कितनी ज़्यादा आई हुई थी, देखिए इसकी मास्किंग भी कितनी आई हुई है। खैर यार चलो जो लोग मंजूर। हमारे बाकी लटीनों जिनकी तबीयत इससे भी ज़्यादा ख़राब थी, जिनको आँखें आ रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे सही हो गए। सबको मैं दवाइयाँ टाइम पे दी हैं, दिन में 2-2 दफ़ा की दवाइयाँ डाली है मैंने, और लगातार 3 दिन से दवाई डालते आ रहा हूँ और आज भी डालूँगा दवाई। और हमारा ये वाला रूटीन हो जिसकी आँखें इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि आपने भी देखा था, देखिए अब, और अब देखें कि आँख इसकी कितनी ज़्यादा सही हो गई है। अब आँख इसकी बिल्कुल सही हो गई है, बस ये थोड़ा बहुत बाल जो है ना, ये बाल जो है क्योंकि इसमें क्रीम लगाई है इस वजह से ये अजीब हो रहे हैं, वरना इसकी आँख अब बिल्कुल सही हो चुकी है। लेकिन बस अब जो अल्लाह को मंजूर हुआ रूटीनों को, मैंने काफ़ी दवाइयाँ दी हैं, ब्रूफिन पिलाई है इसको, और आज तो मैं इसको ड्रॉप डालने वाला था, लेकिन चलो खैर अल्लाह को जो मंजूर, अब क्या कर सकते हैं। A few moments later. तो यार जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की मॉर्निंग बहुत बैड हुई है, हमारा लटीना जो है वो चला गया है। तो आज का सीन ये है कि आज हमें 4 अल्बाइनो लेने हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऑर्डर है, हम लोगों को लेने हैं वो 4 अल्बाइनो, और फिर उसको जो है क्या कहते हैं डिलीवर करना है। अभी फिलहाल चलते हैं हम लोग अल्बाइनो लेके आते हैं। अल्बाइनो लेने के बाद जो है हमें एक काम और भी है कि हम लोग कल जा रहे हैं मार्केट, और वो क्या लेने हैं वो मैं आपको मार्केट जाके ही बताऊंगा, ठीक है। थोड़ी बहुत चेंज चीज़ें जो मैंने मतलब पहले रखी थी लेकिन इस बार थोड़ी यूनिक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम मार्केट जाएंगे। आज हफ्ता है तो कल इंशाल्लाह हम मार्केट जाएंगे और फिर आपको मैं मार्केट का भी ब्लॉग बनाऊंगा। तो भाई अभी का सीन क्या है, आई एम सॉरी आपको थोड़ा शोर सुनने को मिल रहा होगा, वो शोर जनरेटर का है, अभी फिलहाल इसी के साथ काम चलाना है हमें। अभी का सीन ये है कि मेरे पास है ये पूरा बहुत बड़ा कार्टन, ठीक है, हमें जो है इसको लगाना है यहाँ पे, मतलब एक तरीके से रखना है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले आपको दिख रही होगी गंदगी कितनी हो रही है, उसके लिए हम लोग पहले सफाई करेंगे, उसके बाद जो है हम ये कॉटन रखेंगे यहाँ पे, और इस कॉटन का क्या करना है वो मैं कल दिखाऊंगा। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया था, हम लोग अल्बाइनो लेके आ गए, और ये है मेरे मामू जो अल्बाइनो हमसे ले रहे हैं। सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बता खैरियत है? फर्स्ट क्लास। मामू कैसे लगे आपको हमारे? बिल्कुल पेपर वाइट है, माशाल्लाह साफ सुथरे हैं, घर जाएंगे अब। अच्छा, और इंशाल्लाह 3-4 महीने के लिए बिल्कुल पिंजरे में खेलेंगे कूदेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सीजन में उनके ऊपर वर्किंग होगी। और प्राइस बिल्कुल मुनासिब दिए मैंने आपको, फ्री में मिले मुझे, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया इन पैसों में, मेरी नज़र में फ्री में है ये परिंदा। अच्छा, उसके बाद हकीकत है, वरना इसके पेयर के प्राइस जो है ना वो 1-0 बढ़ जाता है जिस प्राइस में, जो मैंने वर्किंग करनी है उसके लिए भी 0 को मसला नहीं लगना, क्योंकि वर्किंग करूँगा क्रीम और डेकिंग के लिए। तो भाई सफाई सफाई जो है वो हो गई है, अभी यहाँ पे जो है हमें डब्बा रखते हैं। भाई डब्बा मैंने रख दिया है, अब हमें करना है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा सुराख, हम लोग सुराख करेंगे इससे, इसको जो है ऐसे करके अंदर डालेंगे और फिर ऐसे घुमा देंगे, हो गया सुराख। ऐसे जो है बहुत सारे करने हैं सुराख अभी। यार ये ना डब्बा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सोच रहा हूँ कि हमारा ये वाला केज अभी खाली हुआ है, इसी को कर लेते हैं, लेकिन इसको लिटा के करना पड़ेगा। आप लोगों को तो मुझे पता समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या आ रहा है ऐसा, और हो सकता है कि कॉटन देखने के बाद आपको समझ में आ गया हो, इस पर तो सिर्फ एक ही चीज़ आ सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कल ही, कल मार्केट जाके उसका भी ब्लॉग बनाएंगे, कल आपको मार्केट जाके दिखाऊंगा कि क्या लेके आया हूँ। तो अभी ऐसा करते हैं, इस वाले केज को इस्तेमाल करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको कर देते हैं रिजेक्ट, और अभी इसको फेंक देते हैं वहाँ पर। ये मैंने जो कार्टन पीटी की है उसको भी दफ़ा करते हैं। तो यार डब्बा मैंने हटा दिया है, और अभी मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, इसको रखते हैं हम लोग यहाँ पे। हमारी रूटीन परेशान हो गया कि अचानक रात में कैसे आ गई, तो रात के अंदर आता ही नहीं है। तो अभी ऐसा करते हैं कि जो है इसकी मटकियाँ उठ के निकालते हैं, मुझे पानी भरा हुआ है। हाँ ऐसे सही है, मैंने ट्रे भी निकाल ली इसकी, ये सही है, ये जो है जगह भी काफ़ी बन गई चलने फिरने के लिए। अब तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या लेके आ रहा हूँ, कि मैंने कहा चलने फिरने के लिए, तो मुझे लग रहा है अब ज़्यादा पहली है जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी तक बताऊँगा कि जब हम लोग मार्केट जाके वो चीज़ खरीद लेंगे, ठीक है। जब तक आप लोग तुक्के उक्के मार लें, कमेंट वमेंट कर लें कि मैं क्या लेके आ रहा हूँ। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि केजी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, कचरा देख सकते हैं कि इस बार कितना निकला कचरा। इस बार चलते हैं और अब वेट करते हैं सुबह होने का। A few inches later. यार सदर मार्केट हम लोग पहुंच चुके हैं, और एक बैड सीन हो गया है। तो भाई बैड सीन क्या हुआ है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है माशाल्लाह से, अभी बस देखते हैं हम लोग जल्दी से लेते हैं अपनी चीज़ें जो हमें लेनी है, और फिर चलते हैं वापस घर। यार जो हमें चाहिए था वो यहाँ से दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे है। तो भाई हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो चुका है, हम लोगों ने देखे कितने सारे डक्स के चिप्स ले लिए हैं माशाल्लाह से, देखे कितने प्यारे हैं, घर लेके जाएंगे इनको खोलेंगे फिर। हमजा भाई कैसे लगे आपको, कैसे लगे आपको? हार्ड चलो बताऊंगा। हेलो, तो भाई हमसे भाई बता दो कैसे लगे आपके चूजे? बहुत अच्छे लगे तुम्हारे जैसे। लेकिन और भर क्या है, हम लोग को थैली में डालना पड़ रहा है क्योंकि बारिश हो रही है, ये देखे हम लोग भी गीले हो रहे हैं इस चक्कर में, हम लोग बहुत जल्दी घर जा रहे हैं, वरना हमजा भाई के रूटीनों भी थे वो भी सेल करने थे, लेकिन अभी हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, और मेरा मोबाइल भी गीला हो रहा है, मैं वो भी रख रहा हूँ।
A few moments later. तो यार हम लोग आ चुके हैं मार्केट से और ये देखिए कि हम लोगों के मार्केट से आने के बाद धूप निकल गई और होती है कितने हम लोग क्या तुम लोगों के तुम्हारे तोते भी सेल नहीं कर पाए यार हम लोग। कोई बात नहीं ऑनलाइन करेंगे यही करना पड़ेगा। तो यार हम लोगों के चूजे देखिए हमारे माशाल्लाह डक्स के चूजे आ चुके हैं। कितने नहीं ये बत्तख के बच्चे भाई ये बत्तख के बच्चे चूजे तो बत्तख के चूजे जो है ना नहीं बच्चे हुए कभी सुना बत्तख के चूजे। चलो ठीक है बत्तख के बच्चे हैं चलो बत्तख के बच्चे तो हैं लेकिन प्यारे हैं क्या कहते हैं ना। चलो भाई इनके लिए टब भी लेके आए देखे टब के साथ पानी वानी भरेंगे इसमें ये तैरेंगे वहरेंगे और फिर अभी देखते हैं इनको निकालते हैं बाहर। चलो जैसे पहले खोलेंगे हम लोग ये वाले बच्चे हमजा भाई के चलो भाई पता निकालते हैं भाई मेरे नहीं है तोतों के बच्चे आ जाओ भाई तुम लोग बाहर आ जाओ भाई ये देखे माशाल्लाह 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 ढूंढ रहा था यार चूजे अब जाके मिले तो वो तो होगी ना एक्साइटमेंट तो होगी ना हम सब क्या कहते हैं जी बिल्कुल मतलब एक्साइटमेंट होगी नहीं होगी जी जी आपको होगी मैंने तो आज तक नहीं रखे कभी। हाँ वैसे ये भी है पता नहीं ये चलेंगे नहीं चलेंगे लेकिन चल रहे सब्जी वाले नहीं चले तो खैर हो गए क्या कर सकते हैं। भाई इनके टब में पानी वानी भर के लाएंगे क्या कितना सॉफ्ट है। चलो आज तो यार अब जो है चूजों को हम लोग डालते हैं पानी के अंदर पानी मैंने भर लिया है एक को पकड़ लेते हैं अगर आता है तो अच्छी बात है जो तैरी नहीं ओए नारा भाई नारा ये तो नारा है बाकी को भी डालते हैं। आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ चलो भाई अंदर चलो तुम भी आ जाओ अंदर चलो तुम दोनों भी आ जाओ तुम दोनों को साथ ही पकड़ लेता हूँ चलो भाई अंदर चलो भाई लोग तैर रहे हैं यार क्या बात है क्या बात है के बाद भी गीले नहीं हो रहे यार कितने प्यारे लग रहे हैं यार ये अभी धूप लगवा रहे हैं क्योंकि अभी नहाए ना सर्दी लग रही होगी हमारे डक्स के जूसे लॉटरी निकल गई वापस बहुत अच्छे भी मिल गए और माशाल्लाह बहुत प्यारे भी हैं। यार वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपनी लाइफ का बेस्ट रिव्यू ये देखिए ये लगे तुम्हें तोते हरबज भाई को शुक्रिया अदा करो शुक्रिया बोलो बहुत प्यारे तोते तुम्हारा मिनी जू कब तक बन जाएगा ठीक है तो तुम उसको व्लॉग बनाओगे उसके हाँ। ओके अल्लाह हाफिज वेलकम बैक। अच्छी लगी तो लाइक कर देगा चैनल को सब्सक्राइब कर देगा थैंक यू फॉर वॉचिंग।